सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियोस सबसे पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो टुडे वी आर गोइंग टू वॉच पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़कास्टर मारविया मलिक डिटेल्ड इंटरव्यू। सो गाइस, ये वीडियो है urdupoint.com यूट्यूब चैनल से। इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे पास। उर्दू पॉइंट इस तरह के चीज़ों के इंटरव्यू लेता है और काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं इनके। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं इनके, तो इनके चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। लिंक इनका टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। और ट्रांसजेंडर का वीडियो है तो इंडिया में तो आई डोंट थिंक कोई होगा, है ना? एक्टर्स तो हैं, एक्टर तो है, एक्टर तो देखे। न्यूज़ कास्टर मुझे नहीं लगता कोई होगा, आई डोंट थिंक। देख लेते हैं, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं सुनी है मैंने। मैंने भी नहीं। अब अंदर का अंदर कुछ हो गया हो तो पता नहीं, किसी ने नहीं बताया हो दुनिया को। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। Here we go. इंडिया में लाइटली लेते हैं ना इस चीज़ों को, देख के लग नहीं रहा ना इनको बिल्कुल भी। ये मेन है। हाँ, यही है क्या? हाँ हाँ हाँ। अब समझे इंटरव्यू नहीं जा रही है उनका, अब इनको बता रहे हो। इन पे इतना फोकस किया जा रहा है तो मुझे लगता है यही है। नो, बिल्कुल नहीं लग रहा ना, बिल्कुल भी नहीं। नो वे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। इस कम्युनिटी में से सिर्फ एक खातून जिनका नाम मारविया मलिक है, उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न पर बतौर न्यूज़ एंकर ऑन एयर है। दुनिया में तीसरी ख्वाजा सरा हैं जो कि न्यूज़ एंकर के तौर पर ऑन एयर हैं और टेलीविज़न पर आती हैं, खबरें पढ़ती हैं, और जो देखने वाले हैं, जो इनके नाजरीन हैं, वो भी इन्हें बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। तो आज हमने काविश की कि हम मारविया मलिक के पास जाएँ, उनसे कुछ बात करें, ना सिर्फ इनके करियर के हवाले से बल्कि इनकी पूरी कम्युनिटी को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर भी इनकी राय लें। मारविया मलिक, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन को। सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए हमारी जानिब से, आपने इतना बड़ा टारगेट अकम्पलिश किया है। मारविया, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में ऐसा कोई पहले ट्रेंड नहीं था, ना हमने कभी ऐसा पहले देखा, और लोगों का परसेप्शन भी यही है कि ख्वाजा सरा या तो डांस करते हैं या सिग्नल्स पर उन्हें काम करना पड़ता है या और कोई, मेन स्ट्रीम में ख्वाजा सरा नहीं आते। आपने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर आप बतौर मॉडल काम करती रहीं, अब आप न्यूज़ एंकर ऑन एयर हैं। ये जो स्ट्रगलिंग फेज था, कितना दुश्वार था आपके लिए? सोसाइटल प्रेशर्स क्या क्या थे? बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए सब स्ट्रगल करना, और स्टिल अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। और आवाज़ से भी नहीं लग रहा, ये ना बताते तो भी चलता। आगे बढ़ती रहूँगी। जब एक बच्चे को घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं दी जानी, सोसाइटी में आवाज में भी यार अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जानी, तो वो जाहिर सी बात है उसने सड़कों पे मांगना है या नाचना है या फिर प्रोस्टिट्यूशन करनी है। तो जाहिर सी बात है मैं ये सब कुछ नहीं थी करना चाहती। मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहती थी और मैंने करके दिखाया। वो सिर्फ इसलिए ये सब कुछ हो सका है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे फैशन इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे मीडिया इंडस्ट्री में भी मिली। तो बेसिकली ये अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती हूँ फैशन इंडस्ट्री में भी और मीडिया इंडस्ट्री में भी। तो मेरे जैसे जितने हज़ारों लाखों ट्रांसजेंडर्स हैं, अगर उनको भी अपॉर्चुनिटीज दी जाएँ तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बिल्कुल, लोग अप्रिशिएट करते थे जब आप स्ट्रगल करती थी कि मैं न्यूज़ एंकर बनूंगी, और जब जर्नलिज्म की डिग्री आप हासिल कर रही थी तो लोग क्या कहते थे कि इतनी टफ फील्ड है, आप कैसे जाएंगी और लोगों को बाईपास करेंगे जो लोग लाइन में क्यू में हैं? देखिए, जहाँ पे आपको डिग्रेड करने वाले बुरे लोग हैं, वहाँ पे आपको मोटिवेट करने वाले अच्छे लोग हैं। राइट। तो मैं इस तरफ से खुश नसीब हूँ कि जहाँ पे मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ पे मेरे बहुत से अच्छे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे आगे मज़ीद मेरी उम्मीद की ढारस बंधाई, और मैं आज उन्हीं की वजह से समझती हूँ कि आज इस मुकाम पे हूँ। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मैंने, और मेरे फ्रेंड्स भी बल्कि कहते हैं कि मारविया तुम ये डिज़र्व करती थी। तो स्ट्रगल तो सब ट्रांसजेंडर्स कर रहे हैं। मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्रीज हैं लेकिन उनको एडवर्टाइजमेंट। ये कमबख्त एड, एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू खराब कर देते हैं, स्किप करते हैं। अब शुरू होगा।
जॉब्स नहीं दी जाती सिर्फ जेंडर बेस पे, कि आपका जेंडर डिफरेंट है, हम आपको कैसे जॉब देंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा. मेरा ये कहना है आप जेंडर बेस पे क्यों ये सब कुछ करते हो, आप बतौर इंसान होने के नाते क्यों नहीं करते, बतौर मुसलमान होने के नाते क्यों नहीं देते, बतौर पाकिस्तानी होने के नाते क्यों नहीं मौके फराहम करते हैं. आपकी जो कम्युनिटी है जिसकी तादाद मैंने अभी नाज़रीन को बताया कि 10,000 से भी बहुत ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक अंदाज़ा है हालिया मर्दमशुमारी के जो नतायज हैं, 10,000 कुछ सौ है. अच्छा मुझे बताइए कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और मुश्किलात क्या हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए पाकिस्तान में. सबसे ज़्यादा मुश्किलात एक्सेप्टेंस की है, अपने घर से ही एक्सेप्टेंस नहीं है, घर से एक्सेप्टेंस नहीं है. मेरा ये मानना है कि अगर घर से आपको एक्सेप्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी में कोई भी बच्चे को डिग्रेड कर सकता है, ट्रांसजेंडर्स को डिग्रेड कर सकता है, अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये सोसाइटी हमारी फैमिली से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से बनती है. अगर घरों में इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाए तो सोसाइटी चेंज हो सकती है. आपको अपने घर में एक्सेप्टेंस मिली, अप्रिसिएशन मिली या आपको भी थोड़ा सा? मेरी स्टोरी में और एक जो आम ट्रांसजेंडर है उसकी स्टोरी में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कोई फर्क नहीं. यानी आपकी भी जो फैमिली लाइफ है वो तकरीबन वैसे ही है जो किसी कोई सिग्नल पर खड़ा या कोई डांस करने वाला ख्वाजा सरा है. ठीक है, तो फिर जो ख्वाजा सराओं की तंजीमें हैं, जो उनके हकूक की तंजीमें हैं, वो किस कदर फाल हैं, आप क्या समझती हैं वो अपना काम ठीक तरीके से कर रही हैं, कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, वो अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं. देखें बेसिकली ये जो ट्रांसजेंडर राइट्स हैं ये एनजीओस की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है. इसकी जिम्मेदार एक स्टेट है, ये काम स्टेट ने करना है. स्टेट कहाँ पे है, क्या हमेशा हकूक मांगने से ही मिलेंगे? स्टेट जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ की, स्टेट को कुछ नहीं पता क्या इस चीज़ का? एनजीओस जस्ट आपको हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं या आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं जस्ट. अगर आप प्रोग्राम में आती हैं और आपको मौका मिलता है बड़ी सियासी शख्सियत से या इन्फ्लुएंशियल शख्सियत से इंटरव्यू करने का, तो सबसे पहले किसका इंतखाब करेंगी और अपनी जो दुख भरी दास्तान है या अपनी सारी कम्युनिटी की उसको सुनाएंगी, वो कौन सी शख्सियत है? मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू लेना. अच्छा, और नवाज शरीफ साहब को फिर आप बताएंगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ ये इस तरह से. देखें अभी मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं, हो सकता है मैं सिर्फ उस पार्टी की सपोर्टर होंगी जो हम ट्रांसजेंडर के लिए वर्क करेगी, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी सारी की सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उसी पार्टी की सपोर्टर होगी. सो हम बस अपने बेसिक राइट्स चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहते हैं. यकीन मानिए आप, अगर ये चेंज आ जाए, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की सड़कों पे आपको कोई भी ख्वाजसरा मांगते हुए नज़र आएगा या फिर प्रोस्टिट्यूट करते हुए नज़र आएगा. मैं ये चीज़ नहीं मानती, सिर्फ एक एक्सेप्टेंस की वजह से, एक सोच बदलने की वजह से. सोच कैसे बदली जा सकती है, लोगों का जो परसेप्शन है उसे कैसे तब्दील किया जा सकता है? ख़ास तरह की एजुकेशन देनी पड़ेगी आपके हकूक के हवाले से या आपकी कम्यूनिटी के हवाले से या लोगों को वैसे एजुकेट करना पड़ेगा? अगर हमारे लॉ में इस चीज़ का मेंशन हो जाता है कि ट्रांसजेंडर्स के अपने राइट है, वो मिल जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में भी चेंज आ सकता है. जब एक स्टेट में ही लॉ बन जाता है तो वो सोसाइटी को उसके ऊपर अमल करना मजबूरी होती है. ठीक है, सही बात है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा टफ क्या रहा, क्योंकि आप एक एक्टिव, मैं अज्यूम कर सकता हूँ और नाज़रीन भी, कि आप यहाँ तक पहुँची हैं इस एज में, तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट होंगी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी, तो सबसे ज़्यादा टफ या लोगों से बातें सुननी जब पड़ी या लोगों से जो डिग्रेडेशन, आप कोई लोगों ने कुछ डिग्रेड किया होगा, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आती हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा है? मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मुझे ना स्कूल में मुश्किल पेश आई, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी, मुझे घर में मुश्किल पेश आई. ये तो सरप्राइज है. हाँ, अब घर वालों का बिहेवियर कैसा है आपके साथ? सेम वैसा जैसा पहले था, एक्सेप्टेंस पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं, अब भी नहीं है उतनी, अब भी नहीं है. तो अब वो खुश नहीं हुए कि उन्होंने आपका नाम रोशन किया? मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उनके साथ फिलहाल, बट मुझे नहीं उम्मीद, जितना मतलब मुझे उनकी तरफ से मिल चुका हुआ है सब कुछ, मुझे नहीं लगता कि उनके रवैये चेंज हो सकते. अच्छा, अभी तो मिले ही नहीं, सोच हो सकते हैं, सोच सोच की बात है. तो बदलने के लिए मैं निकली हूँ कि खुदारा पेरेंट्स को ये इल्तिजा करती हूँ मैं कि अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों का साथ दो, उन्हें अपनाओ, चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनको अपनाओ, उनको घरों से बाहर ना निकालो. जब आप घरों से बाहर निकालोगे
یہ دنیا جینے نہیں دیتی, ان کو اپنا گزارا کرنے کے لیے بہت سے غلط کاموں میں پڑنا پڑتا ہے, بہت سے غلط کام. تو خدا را اپنے بچوں کو سمجھیں, اپنے بچوں کی اچھی طرح ایموشنل سپورٹ کریں, ان کا ساتھ آپ ان کو بیک کریں جو ان کے ایمز ہیں اس میں ان کا. اچھا آخری سوال ہمارے ناظرین جو کہ جاننا چاہتے ہیں, اب آپ کا آگے کا کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے؟ میں آپ کو, میں اگر آج اس جگہ پہ پہنچی ہوں نا, وہ صرف اس وجہ سے کہ میرے ایشوز, میرے پرابلمس بھی وہی ہیں جو ایک عام ٹرانسجینڈر کے. بالکل, ہم سب کمیونٹی کے پرابلمس اینڈ ایشوز سیم ہیں. سو میرے آگے کے پلانز یہ ہیں کہ ایکسیپٹنس ہو. آخر کتنی دیر یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بالکل بالکل نہیں, تھوڑا سا آپ کے ذہن میں کچھ پوائنٹس تو ہوں گے نا کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایسا 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 سلوک کیا جائے, ان کو کوئی کوٹا دیا جائے یا ان کے لیے اسکولس قائم کیے جائیں, کچھ بھی ایسا. اسکولس کیوں قائم کیے جائیں, علیحدہ اسکولس کیوں قائم کیے جائیں؟ آخر علیحدہ اسکولس قائم کرنے, پھر علیحدہ ہاسپٹلس بھی قائم کرو. نہیں, علیحدہ ہاسپٹلس اگر قائم کرتے ہیں, علیحدہ بناؤ پھر. علیحدہ اسکول سے میری مراد کہ ایسے کچھ آپ کے آپس میں ٹریننگ اکیڈمیز جہاں پر آپ کی کمیونٹی کے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اپنی شیئرنگ کریں, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی کریں. آگے اکیلے میں کیوں, اگر کمیونٹی کے ساتھ عام لوگ بھی مل جائیں. یہ سوچ مجھے صحیح لگی, بہت صحیح سوچ. مزید سمجھنے کے ساری چیزیں ملیں گی, بہت کچھ سیکھنے کو. کمیونٹی آپس میں سمجھ ہی لے گی, پتہ چلے گا ہم نے جن لوگوں کو اچھوت سمجھا تھا وہ کتنے اندر سے کتنے زیادہ پولائٹ ہیں اور کتنے اچھے. بہت شکریہ ماریا ملک ہمارے ساتھ موجود تھی, پاکستان کی سب سے پہلی خواجہ سرا نیوز اینکر, جنہوں نے نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ پورے پاکستان کا سر آج سفر سے بلند کر دیا ہے, اور انہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت مثبت کوریج مل رہی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کا منشور, ان کا ویژن اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہم ان کے ساتھ پورے نیوز چینل, ان کا جو اپنا آفس ہے وہاں پر موجود تھے. ونس اگین تھینک یو سو مچ, اور مبارکباد بھی وصول کیجیے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ مزید ترقی کرتی رہیے اور جو آپ کا ویژن ہے آپ اس پر گامزن رہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو. اور بھائی اس ویڈیو کی اگر بات کریں تو یہ ویڈیو میں جو ان کی سوچ لگی مجھے وہ بہت صحیح لگی. کیوں الگ, کیوں ہمیں الگ سے فیسلٹی کیوں دی جائے, ہمیں سب کے ساتھ فیسلٹی ملنی چاہیے. دیٹ از گڈ, ہمیں بھی, وہ بھی تو ایک جینڈر ہی ہے. ہاں وہ بھی ایک جینڈر ہے. ایک فارم پر تھرڈ جینڈر لکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ ایک تھرڈ جینڈر کا آپشن کیوں نہیں ہے؟ ٹرانسجینڈر کا آپشن ہونا چاہیے. لائک بہت سارے کئی ایسے, خیر انڈیا میں تو ہو چکا ہے کہ سارے سرکاری ڈاکیومنٹس میں اب تھرڈ جینڈر جو ہے اس کا آپشن آ چکا ہے. کوئی بھی سرکاری ڈاکیومنٹ پہلے نہیں, بہت کم ڈاکیومنٹس میں آتا تھا کہ تھرڈ جینڈر ڈالنا ہے, لیکن اب ہر ایک میں, یہاں تک کہ موبائل ایپس میں بھی آ چکا ہے کہ تیسرا جینڈر ڈال سکتے ہیں میل, بہت ساری ایپس. ارے ان کے لیے سب سے بری چیز یہ رہتی ہے کہ انہیں ان کے خود کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے سب سے بڑا ڈیگریڈ کرنے والی چیز ہی وہی ہے کہ خود کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی ان کے گھر والوں سے ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے, یہ خود سوچو آپ. اگر دنیا آپ کے خلاف ہو لیکن آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہو تو آپ میں بہت زیادہ ایک ہمت آ رہتی ہے دنیا سے لڑنے کی. لیکن یہاں پر گھر والوں بھی ساتھ نہیں دے رہے, اس کے بعد دنیا سے بھی لڑنا ہے تو وہ بہت ٹف ہوتا ہوگا میرے حساب سے. کہیں نہ کہیں مین چیز یہ کہ ان کی جو وائس ہے وہ کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے مجھے کہ کسی مرد کی آواز ہے. ہاں پوری آواز بھی ان کی, مطلب اس کو ہم پیورلی ٹرانسجینڈر بول سکتے ہیں کہ ایک ہے کہ بھائی اندر سے تو لڑکی ہے, مطلب کیا کرے, جو شریر دے دیا اوپر والے نے وہ ایک مرد کا دے دیا, جس وجہ سے انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا اور اتنی پرابلمس جھیلنا پڑی. ہوتا ہے یہ, یہ ایک چیز ہے جو کہ انڈیا میں ہی نہیں, پاکستان میں ہی نہیں, پورے ورلڈ میں, پوری ورلڈ میں بہت زیادہ ہے. رائٹ, کہ آپ کی جو فیلنگس ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. سو اٹس ناٹ ایشو. مجھے لگتا ہے ان کو کوئی ایسے نارملی دیکھتا ہو تو پہچانتا بھی نہیں ہوگا. نہیں ارے ہم نے نہیں پہچانا, میں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شاید انٹرویو لینے جائیں گی ان کا. رائٹ, میں تو یہی سوچ رہا تھا. ہاں میں بھی سوچ رہا تھا اسٹارٹنگ میں, پر مجھے لگا ان کو ان کے اوپر اتنا فوکس کر رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھ میں آیا ارے یار یہ تو حد ہے. اور پھر ان کی آواز سنی دین ڈبل شاک, ہاں یہ تو ڈیفینیٹلی کچھ. اور ہم یہ بھی بول رہے تھے کہ اگر یہ دنیا کو نہ بتائے تو کسی کو پتا بھی نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے. لیکن یہ چیز بھی صحیح ہے کہ وہ اپنی جو کمیونٹی ہے ٹرانسجینڈرس کی, ان کو ایک طریقے سے آگے بڑھانا چاہتی ہیں, اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں بھی اپنی ریئلٹی دکھانا ضروری ہے نا. وہ تو ہے. اور مین چیز کیا ہے اس مدعے پر میں ریئلٹی بتاتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے, لیکن ہوتا الٹا ہے. ان کی کیئر زیادہ کرنے کی جگہ ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے کہ اگر تو ایسے ہی رہے گا یا ایسے ہی رہے گی
right, लड़कियां right. भी होती है जिनको मर्द रह के पसंद होता है कि मर्द जैसा रहे हाँ. तो और लड़कियां रहती है लड़के रहते हैं जिनको औरत बन के रहना पसंद करता है right. ये दोनों सिचुएशन है दोनों सिचुएशन है किसी के साथ भी किसी के साथ जबरदस्ती अब मर्द है उसको मूवी बनी थी ना कंचना कंचना वो भी है उसमें भी उसे घर से निकाल देते हैं और वो पूरा ऑल दैट यही चीज़ें हैं जो होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बेचारी लड़की रहती है लेकिन उसको पूरा मर्दानगी मर्द उसका अंदर से फीलिंग पूरी मर्दों वाली आती है उसे जो है लड़कियां ही पसंद होती हैं तो वही चीज़ें होती हैं देन फिर वो लेस्बियन वगैरह जो भी वर्ड्स यूज़ किया जाते हैं उनके लिए वो होता है बट ओवरऑल बात ये है समझने वाली बात ये है कि वी हैव टू सपोर्ट देम हमको right, करना right. ही पड़ेगा क्योंकि इनके लिए कोई भी नहीं है राइट right, right. इंसानियत के नाते तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली सो गाइस बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है और इंटरव्यू कैसा लगा हमारा रिएक्शन कैसा लगा है अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन मेक लव नॉट वॉर